हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से. आज हम देखेंगे आपको इंटरव्यू के लिए कैसा मेकअप करना है. इंटरव्यू में ऑब्वियसली आप जाने के लिए बहुत हड़बड़ी में होंगे और हर कोई रेडी नहीं हो पाता, बस ऐसे ही भागते हैं जल्दी जल्दी की और टेंशन रहती है आपको, तो डेफिनेटली आप बहुत स्वेट करते हैं. तो मैं कोशिश करूँगी आज कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करें और आप प्रेजेंटेबल लगें. मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत हाई फाई मेकअप करें, पर हाँ, सबको अच्छा दिखना पसंद है. आप अगर अच्छे दिख रहे हैं तो आप एक आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होता है, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको, आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है. वो आपका कॉन्फिडेंस एक्चुअल लेवल में बढ़ाता है. और अगर आप प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट दिखते भी हैं और नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंट लगेंगे भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स बीबी क्रीम. ये बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको लगाने में, फटाफट आप लगा सकते हैं. इवन आप जल्दी में भी हो तो भी, तो इसे हम हाथ से ही लगाएंगे. डेफिनेटली आप अगर जल्दी में हैं तो आपके पास ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने का वक्त नहीं होगा. थोड़ा सा नेक पे और मैं डार्क सर्कल भी इसी से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ. आपको और कवरेज चाहिए तो हम थोड़ा सा एक लेयर और कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ और यहाँ. हमें इसे डैब करना है स्किन में ताकि हमको अलग से कंसीलर लगाने की ज़रूरत ना पड़े. एक्चुअली आप अगर फाउंडेशन लगाएंगे तो उतना ही आपको क्रीज होने का और स्वेटिंग का ज़्यादा चांसेस रहेगा. बीबी क्रीम थोड़ा मॉइस्चराइजिंग भी रहती है, इसमें SPF भी रहता है, तो आपको अलग से सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट. ये मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का. ये इसका शेड है रेडियंस कॉम्पैक्ट का नेचुरल मार्बल. नेचुरल मार्बल है इसका शेड. मैं सब कुछ प्रेस करूँगी स्किन में अंदर ताकि वो सेट हो जाए अपनी जगह. मैं पूरे फेस को कर रही हूँ. जनरली मैं सिर्फ टी जोन को करती हूँ, पर क्योंकि ये स्वेटिंग होगी आपको ज़्यादा, इसलिए पूरे फेस को सेट करना है हमें. मैं सिर्फ प्रोडक्ट पुश कर रही हूँ स्किन में, हल्का डैप कर रही हूँ. इसे इस तरह ब्लेंड नहीं कर रही हूँ वरना आपका बीबी क्रीम और कॉम्पैक्ट सब मूव हो जाएगा अपनी जगह से. अब नेक पे ये हो गया. अब मैं लाइनर या काजल नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हर कोई फॉर्मल लुक में वो यूज़ नहीं करता है. मैं सिर्फ मस्कारा लगाऊंगी. मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा. थोड़ी लैशेस मुझे फुल अच्छी लगती है और काफ़ी नेचुरल भी लगता है ये.
तो ये हो गया मस्कारा। अब अगर आपको थोड़ा फेस में कलर चाहिए, ये टोटली ऑप्शनल है, तो हम थोड़ा सा ब्रॉन्जर यूज़ करेंगे। मैं लैक्मे मून लाइट ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। मैं इस तरह की ब्लश ब्रश से यूज़ कर रही हूँ ताकि ज़्यादा डिफाइन ना रहे, बस एक नेचुरल ब्लश या नेचुरल शीन आ जाए। बस इस तरह, ये टोटली ऑप्शनल है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे बहुत पसंद है ब्रॉन्जर, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। इससे थोड़ा कलर आ जाता है आपके फेस पे, और एकदम इसे पाउडरी या कॉम्पैक्ट या फाउंडेशन लगाया हुआ बहुत नहीं दिखता है आपका स्किन। अब हम आईब्रोज़ करते हैं। आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैमिलियन की डार्क ब्राउन पेंसिल। इसे भी बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमारी बीबी क्रीम या कॉम्पैक्ट उसमें लग गया है, सिर्फ उसे मैं ब्रश कर रही हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाकर, ताकि वो क्लीन डार्क दिखे। तो ये हो गई। आइस को थोड़ा आपको और डिफाइन दिखाना है, तो ये मैं प्लम नेचर का काजल ले रही हूँ, और जो हमारी अपर वाटर लाइन है अंदर, उसे लाइन कर रही हूँ। सिर्फ कॉर्नर में, ये हो गया, और थोड़ा सा बाहर की तरफ, ताकि ज़्यादा ड्रामेटिक भी ना लगे और थोड़ी हमारी आइस डिफाइन दिखे। मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है, ये काफ़ी नेचुरल दिखता है और ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत आई मेकअप किया हुआ है। अब मैंने लिप बाम लगाया हुआ था, तो इसे मैं टिश्यू से डैप कर ले रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली बस लिप बाम लगा कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं मेकअप बता रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा डिफाइन कर रही हूँ, वरना आप टोटली सिर्फ लिप बाम लगा कर जा सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की रस्ट L08 लिप लाइनर। ये काफ़ी नेचुरल लिप लाइनर है, नेचुरल ब्राउन, आप चाहें तो आप सिर्फ ये लिप लाइनर लगा कर जा सकते हैं। ये बहुत ही फॉर्मल कलर है और मुझे बहुत पसंद है ये कलर, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये एकदम इंटरव्यू के लिए एकदम परफेक्ट है। पर अगर आपको थोड़ा कलर चाहिए तो ये सेवन हेवन की लिपस्टिक है रोज़वुड, मैं ये लगाऊंगी। और लिप लाइनर आपका ज़्यादा देर स्टे भी करता है। ये मैट लिपस्टिक है, ये भी ऑल डे चलती है, और मेरी टॉप से थोड़ी मैचिंग है इसलिए मैंने लगाई है। तो ये हमारा इंटरव्यू लुक पूरा होता है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।